दोस्तों, क्या हालचाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी अपन आ चुके हैं भाई खार रोड रेलवे स्टेशन के बाहर, और अभी अपन जाने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई वो देखने के लिए। यहाँ पे पास में ये 1-2 किलोमीटर पे स्टेशन से, तो चलते भाई फटाफट से। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ है, बहुत दिनों से मुझे वापस जाना था। तो वहाँ के जो मतलब शेखर भाई है उनकी जो है मैंने परमिशन भी लिए, मतलब उनसे पूछा था मैंने इंस्टाग्राम पे, उनसे कॉन्टेक्ट किया था, तो बोले हाँ भाई तो आ और ब्लॉग बनाते हैं फटाफट से। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो भी अपन को जानते हैं अभी, और उनसे बहुत दिन से बात हो रही है। तो चलते भाई फटाफट से। तो दोस्तों, स्टेशन से जो अपन ने दांडा की रिक्शा पकड़ी थी, और यहाँ पे अपन आ चुके हैं। दांडा ये जगह का नाम है, और यहाँ से अपन को अंदर जो जाना है और राइट लेना है, और उधर है शॉप। और चलते भाई फटाफट से। पहले तो एक पानी की बॉटल लेता हूँ भाई इधर से, क्योंकि बहुत प्यास लगी है, पानी पीते फिर चलते। तो भाई फाइनली आ चुके अपन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास, जिसका नाम है कंज्यूमर शॉपी, जो कि इसका जो है रियल नाम था कंज्यूमर शॉपी। ये रहा भाई तारक मेहता में दिखाया जाने वाला गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भाई, जहाँ पे की चेठालाल जो है आते थे, शूटिंग करते थे और चले जाते थे, नड्डू काका रहते थे, बागा रहते थे, बावरी रहती थी, और सब जो लोग जो है यहाँ पे आते थे। तो काफी अच्छा लग रहा है भाई इसे देख के, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे, आने की बहुत इच्छा थी भाई, रात दिन इसको देखते है भाई अपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में, और मतलब देखता ही रहता हूँ भाई मैं इसे रात दिन, अपने जो पुराने एपिसोड है वो जो है चलाता ही रहता हूँ। तो चलते भाई अंदर देखते हैं कौन कौन है भाई अंदर, बहुत अंदर है भाई ऐसा। हेलो सर, कैसे हो आप? मस्त मस्त, ऑल गुड। तो दोस्तों, अपन को यहाँ पे मिले हैं शेखर सर, जो कि जो है मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के रियल ओनर है, मतलब जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ये जो है ओरिजिनल जेठालाल, ओरिजिनल जेठालाल है, रियल वाले जेठालाल नहीं है, मतलब रियल वाले जेठालाल है। तो सर, आपको मतलब कैसा लगता है कि इतना बड़ा जो शो है, इतनी बड़ी लेगेसी जिसने क्रिएट करी है, उसका जो सेट है वो आपका मतलब शॉप था एक टाइम पे? देखिए ऐसा है ना, इट्स गॉड चोजन बोलते हैं ना, गॉड चोजन, उनको उनकी मर्जी के बगैर चलेगा नहीं। आए थे 2008 में जस्ट फॉर वन डे, बोलते ना एक दिन के लिए हमको शूट करना है, तो मुझे थोड़ा बहुत तो ये था, क्योंकि क्या है एक्चुअल शॉप है, हम सामान बेचते हैं, कभी शूट होता है बाहर, बहुत शूट होता है, बट अंदर कभी हमने किया नहीं था। जब इन्होंने रिक्वेस्ट किया तो हमने बोला चलो ठीक है करके देखते हैं। एक दिन 14 साल हो गए, 14 साल हाँ, बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत 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 सारे बोलते ना अच्छे दिन हमने देखे उनके साथ, तो प्राउड फील है कि हम उनके साथ एसोसिएटेड, अच्छा लगा, आज भी अच्छा लग रहा है, चलो सेट पे चल रहा है उनका शूट, बट अच्छा 14 साल हमारे साथ हुआ। तो सर, मैं जब वहाँ पे फिल्म सिटी में गया था, और मैंने जो अभी जो शॉप है उधर जो उन्होंने क्रिएट किया है सेट पे बनाया है वो मैंने देखा था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था एज ए TMKOC फैन, मैं एकदम मतलब बहुत ज्यादा फैन हूँ वो शो का। तो आपको कैसा लगता है कि वो शो ने ये शॉप छोड़ दिया जो मेन शॉप था? नहीं, छोड़ा नहीं था, एक्चुअली क्या था कि उनकी स्टोरी लाइनअप थी, बीच में कोविड आ गया, स्टोरी लाइनअप के साथ साथ वो रहा था कि दुकान को रेनोवेट कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं, तो बाद में दोस्तों से पता चला कि वहाँ सही में दुकान बन रही है, थोड़ा बहुत फील हुआ, बट स्टोरी लाइनअप के हिसाब से रेनोवेशन करने जैसा, मतलब अगर आप 2008 से लेके अभी तक का अगर आप देखोगे तो दुकान में बहुत सारे R&D किए, चोरी बताए, माल चोरी हुआ, पानी गल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत कुछ किया उन्होंने, बट रेनोवेट करने जैसा कुछ था नहीं, तो इसकी वजह से वो वहाँ पे गए, बट फॉर गुड कॉज। स्पेस कम है थोड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि नहीं, उनको सेटअप चेंज करना था जो नहीं कर सके, और वहाँ पे थोड़ा बड़ा सेटअप लगा मुझे, मतलब उनका स्टूडियो है, हाँ बहुत बड़ा स्टूडियो है उनका, और मतलब मुझे तो मतलब दुख हुआ था मतलब ऐसा देख के, लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने कुछ अपग्रेड किया है, थोड़ा फील हुआ था, बट क्या होता है ना ये 1.5 साल और वो 14 साल, मेरा पलटा भारी है ना, तो आपका सच में भारी है, गुडविल है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर दुकान देखने के लिए आते हैं, वहाँ पे तो छोड़ते नहीं है सेट पे। सर, तो स्टार्टिंग से जर्नी बताओ कैसे स्टार्ट हुआ था? मतलब मेरे एक मित्र हैं जो प्रोडक्शन हाउस में थे, तो वो आए थे, बोले हमको यहाँ शूट करना है, और दिलीप भाई का नाम लिया, बोले वो मेन कैरेक्टर है उसमें, तो हमको एक दिन के लिए शूट के लिए आपको आना है, तो थोड़ा हिचकिचाट रही क्योंकि क्या है प्रोडक्ट नया है, बेचने का है, और अगर कुछ हो गया, डेंट वेंट लग गया, स्क्रैचेस आ गया, तो मैं बेच नहीं पाऊंगा, तो उस चक्कर में उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो हम उसका देख लेंगे क्या कर सकते हैं।
हैं। तो बोले चलो एक ही दिन का तो सवाल है ना, कर लेते हैं। बट वो एक दिन का जर्नी 14 इयर्स हुआ। वो बहुत बढ़िया जर्नी रहा सर। मुझे ना मतलब आपकी जर्नी में ज्यादा इंटरेस्ट है कि आपकी जर्नी जो है कैसे रही है, मतलब बचपन से आपने कैसे बिजनेस सेटअप किया पहले से और फिर उसके बाद तो शो में हमें दिखने को मिला। बिजनेस सेटअप तो 2000 में हुआ, अभी ये नवंबर में उसको 24 इयर्स कंप्लीट हुए। 2000 में क्या अगल बगल में बहुत सारे शूट, तलाश मूवी की शूटिंग हुई है बाजू में ही, फिर बगल के गली में गजनी की शूटिंग हुई है, बहुत सारे एड्स वगैरह होते हैं ये एरिया में, बट कभी अंदर हुआ नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट किए तो मैंने बोला चलो करते हैं। और उस बीच में आई एम नॉट एन एक्टर, बट उस बीच में मैं भी काफी एपिसोड्स में आया हूँ एज अ कस्टमर। मैंने देखा है आपको यही पे ऐसे आए थे, एज अ कस्टमर मैं भी आया हूँ। तो बोला ना अच्छा लगा, पता ही नहीं चला 14 साल कैसे गए। और सर आपके जो मतलब जेठालाल जी के साथ मतलब संबंध कैसे थे? सबके साथ रिलेशन हेल्दी है, वो असित भाई हो, दिलीप भाई हो, नट्टू काका तो नहीं रहे, तन्मय है, मंदार है जो भिड़े, श्याम पोपटलाल है, अमित भाई है, मतलब मोस्टली ऑल, दया तो थी, मतलब सबके साथ रिलेशन हेल्दी था, बहुत ही अच्छा। और सर एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट बताओ जो आपको लगता है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा, जो कि मतलब यही पे शूट हुआ था। देखो क्या होता है ना, ऐसे तो काफी हैं, एक कोई चुन नहीं सकते, बट सबसे बेस्ट क्या था कि हम तो आर्टिस्ट है नहीं, बट कभी भी कुछ भी रहेगा तो पीछे तीन स्टंप थे, तीन खंबे बोलते हैं ना, दिलीप भाई थे, नट्टू काका थे, तन्मय भागा है, कुछ भी किधर भी कुछ हुआ तो गाइड करते थे, भाई ऐसा करो वो ऐसा करो, वो हिसाब से मतलब कैसे एक चल गया, मतलब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, मैं भी एक छोटा आर्टिस्ट हो गया। अब हाल फिलहाल में ही मेरा एक वेब सीरीज आया है, वेब सीरीज है फाड़ू, फाड़ूज में मेरा प्रमोशन हो गया फ्रॉम टीवी सीरियल, मतलब मैं कस्टमर बन के आता था उसमें, मैं एज अ शॉपकीपर हूँ, तो सीरियल से देखा सर मैंने काफी अच्छा, सीरियल से वेब सीरीज पे आ गया, आगे पता नहीं अभी, मतलब अच्छा ग्रोथ हो गया तो मेरा भी ग्रोथ हो गया। सर अभी बिजनेस कैसा चालू है? बिजनेस ओके, नॉट दैट, बिजनेस तो अपने हिसाब से चल रहा है। मार्केटिंग की तो कुछ जरूरत नहीं पड़ती होंगी? नहीं मार्केटिंग नहीं, गुडविल अच्छा है, बट गेस्ट बहुत आते हैं अभी, लोगों का प्यार है ऑल ओवर इंडिया, ऑल आउट ऑफ इंडिया से बहुत लोग आते हैं। तो भी हाल फिलहाल में मैंने गणपति में मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल रिस्टार्ट किया हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिशियल बोल के। सो ढेर सारे लोग यहाँ जो भी विजिटर्स आते हैं मैं उनके शॉर्ट्स बनाता हूँ। हाँ सर देखा हूँ मैंने, शॉर्ट्स डाल रहा हूँ मैं। सर अपना बनेगा कि नहीं शॉर्ट्स? बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनाएंगे भाई सर के साथ। उनके चैनल पे देखना भाई आप जरूर से जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे फॉरेन से भी आते हैं और मुझे अच्छा लगता है, कोई सामान खरीदता है जस्ट याद के लिए, कोई नहीं खरीदता है तो नो मन दुख। मैं एक चीज बिलीव करता हूँ, स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। वो लोग आपको टीवी पे खुश कर रहे हैं, मैं आपको दुकान पे खुश करूंगा, मुझे अच्छा लगता है स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, खुशियां बांटते रहो सर। बस 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 सर, बढ़िया। मतलब सबसे दूर से ऐसा कौन मतलब जो व्यूअर है वो आया है, मतलब सबसे ज्यादा दूर? नहीं, यूएस से आया है, ऑस्ट्रेलिया से आया है, अफ्रीका से आए हैं, बेल्जियम से आए हैं, फ्रांस से आए हैं, सऊदी अरेबिया से आए हैं, अपना दुबई से आए हैं, पाकिस्तान से तो कॉल बहुत आते हैं, वीडियो कॉल करके बोलते हैं हमको दुकान दिखाओ, बोलते ना वो एक अलग ही मोमेंट है कि पाकिस्तान में भी अपना प्रोग्राम लोग देखते हैं। बहुत बड़ी बात है। और सर मतलब कंज्यूमर शॉपिंग नाम पहले से था? पहले से था, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हमने उनके लिए रखा था, बाद में चेंज किया था। नहीं अभी भी चेंज नहीं है, कंज्यूमर शॉपिंग आप नहीं, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उनका था, वो हम यूज कर रहे हैं। तो अभी कैसा लगता है सर आपको, मतलब तब देख के, मुझे शो देख के, मतलब आई एम हैप्पी, शो अपना चल रहा है, चलता रहना चाहिए सर, तो चल रहा है, बट मेरा भी शो चल रहा है क्योंकि लोग आ रहे हैं मिलने। अभी आप आने से पहले ही कुछ लोग आके गए, सूरत से आए, भरूच से आए, बहुत सारे मतलब कुछ गैंग ऑफ अभी लड़के लोग आए थे, वो कहीं अभी काट रोड गए हैं स्केटिंग करने के लिए, बोले जाते जाते देखा, बोले ये वही दुकान है, बोले हाँ आगे वीडियो फोटो वगैरह। बहुत लोग आते होंगे सर, बहुत 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 सर आपके पास, मतलब ये शॉप में अगर कोई मिलने को आया और उन्हें अगर कुछ लेना नहीं है, कुछ छोटी मोटी चीज लेके जानी, तो क्या लेके जा सकते हैं? मतलब जो भी है उनका बजट डिपेंड्स, उनका बजट है, वॉचेस है, एयरबड्स है, या फिर मोबाइल है, अगर बजट अच्छा है तो एलईडी से, जो भी है। जो सर आपने कप्स भी रखे थे ना, मैंने सुना बीच में था कप्स, अभी ये कप्स थे वो भी अभी खत्म होने आए हैं, फिर वॉचेस दिए थे हमने, वॉचेस भी बहुत हमने दिए। यहाँ पे मुझे मतलब देख के बहुत बढ़िया लग रहा है कि मतलब यहाँ पे जेठालाल जी खड़े रहते थे, में रखा है यहाँ पे, ये साथ में रखा हूँ उनको। अभी रियल जेठालाल से मिल रहे हैं सर। आप फिल्म सिटी में गए हो क्या, जहाँ पे की मेन सेट है टीएमके उसी का? एक बार गया था मैं, मेरे वाइफ के फ्रेंड्स वगैरह आए थे, तो मैं उनके फैमिली और मेरे फैमिली के साथ गया था। दैट वाज अ मेमोरेबल डे। कोई भी बंदा ऐसा नहीं छूटा है जिनसे हम नहीं मिले हो, वो स्पॉट बॉय हो, डायरेक्टर तक, आर्टिस्ट तो सब मिले वहाँ पर। उस दिन हम लकी थे कि वहाँ पर उस दिन सब आर्टिस्ट अवेलेबल थे, सबके साथ मिले, सबके साथ मजा किया। उस दिन बर्थडे भी मनाया वहाँ पर, अंजलि
भाभी का बर्थडे था उस दिन, पुराने वाले, तो उनका भी बर्थडे मनाया हमने, बहुत धमाल किया, नाचे गए, धमाल। सर अभी मतलब शो अलग ही स्टेज पे पहुंच चुका है, तो आपको कैसे लगता है मतलब देखते इतने चेंजेस हुए शो में, इतने लोग निकले उसके बाद? तो अभी उसके बारे में देखो क्या है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, वो तो आपको प्रोडक्शन वाले ही बता सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, बट मैं तो मानता हूँ कि मेरे साथ जब तक का साथ था विच वर गोल्डन मोमेंट, बहुत गोल्डन मोमेंट, गोल्डन मोमेंट से यहाँ पे सबसे ज्यादा, तब तक कोई निकला नहीं था, तब तक सब थे, सब थे, सिर्फ एक नट्टू काका निकल गए, बाकी तब तक सब लोग थे, सब लोग थे तब तक। सर शूटिंग जब चालू रहती थी तब आप यही पे रहते थे हर टाइम, या फिर आपको कुछ काम रहता था तो बाहर? शूटिंग के टाइम पे ज्यादातर हम लोग बाहर खड़े रहते थे, क्योंकि क्या डिस्टर्बेंस होता था, तो हाँ मेरा रोल रहेगा तो मुझे बोलते थे, मैं अंदर आता था, बट अदरवाइज हम बाहर ही खड़े रहते थे, क्योंकि उनका काम है और मैं बाहर मैनेज करता था, क्राउड आते थे, फैंस आते थे, लोग मिलने आते थे। तो शूटिंग होती थी तब अंदर कितने लोग रहते थे मैक्सिमम? उनके लिमिटेड स्टाफ जो रहते थे, स्पॉट बॉय है, मेकअप वाले हैं, आर्टिस्ट है, कैमरामैन है, लाइट्स वाले हैं वगैरह, वो रहते थे। हाँ इन बिटवीन अगर कोई गेस्ट आ गया और उनको अगर मिलना है तो सबसे बेस्ट पार्ट था कि सबको ऑब्लाइज करते थे, मतलब वो नट्टू काका हो, दिलीप भाई हो या तन्मय हो, कभी उन्होंने किसी को मना नहीं किया। हाँ अगर उनका काम चल रहा है तो हमने भी डिस्टर्ब नहीं किया है, बट अगर वो फ्री रहे तो खुद बोलते थे अरे भाई बुला लो। तो बहुत सारे लोगों ने फोटोज वगैरह उस टाइम पे बना लिए। और सर मतलब जो टाइम पे मतलब उनकी शूटिंग चालू रहती थी उस टाइम पे आप बिजनेस कैसे मैनेज करते थे? मतलब बिजनेस तो बंद रहता होगा फिर शूटिंग जब चालू रहती? बिजनेस एक अलग इस पे था, क्योंकि क्या है दो ही टाइप के कस्टमर आते थे, एक है जिसको अर्जेंट चाहिए और एक है जिसको देखना है या जो भी है, मतलब देखने के लिए आते थे। जब शूट चलता था तब लोग आते थे मिलने के लिए, तो बोलते थे अरे शेखर भाई मुझे टीवी लेना है ऐसा, तो कभी कभी क्या होता था बाहर से ही देख लेते थे, आपको जो पसंद है भेज दो, उसको अर्जेंट चाहिए तो उसने बाहर से सिलेक्ट कर लिया। कभी कभार ऐसा हुआ कि ब्रेक ले लिया उन्होंने, स्टोरी रीड अप करते हैं या कुछ तो भी रिहर्सल कर रहे हैं, कुछ तो भी कर रहे हैं, तब हम कस्टमर को लेके आते थे तो बोले देखने के लिए, बट उसमें बोलता ना थोड़ा फनी मोमेंट, अरे दिलीप भाई बैठे हैं, अरे जेठालाल बैठा है, तो लोग उधर जाके एक फोटो एक फोटो, टीवी रह गया बाजू, ले लेते थे, लेने के बाद भेज दो, मतलब दोनों काम हो जाता था, कस्टमर फोटो भी हो जाता था और ये भी हो जाता था। फिर और एक कस्टमर ऐसा है कि मैं बाद में आता हूँ, शूट चल रहा है ना तो मैं बाद में आता हूँ, तो वापस नेक्स्ट टाइम आके या तो लेट इवनिंग आए या तो नेक्स्ट डे आके उन्होंने अपना परचेस कर लिया, बट करते थे, तो फर्क ऐसा कुछ पड़ा नहीं, वो भी जानते ना अरे शूटिंग चल रहा है। सर आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मैं सच्ची में जेठालाल से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका नेचर भी वैसा ही है और आप बात भी वैसे ही कर रहे हो, मतलब मैंने कब से नोटिस कर रहा हूँ मैं ये चीजें आप में जो है, मतलब वही ट्रेड्स लग रहे हैं मुझे सेम टू सेम। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आपसे जेठालाल ने सीख लिया है या फिर आपने उनका देख के कुछ, साथ में थे ना इतने साल, आप साथ में थे इसलिए ऐसा लग रहा है। और सर आप टीएमकेओसी फैंस को अभी मैसेज क्या देना चाहोगे? मैसेज तो ढेर सारा है, आइए गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अगर सामान लेना हो ना लेना हो, फोटो लेना है, वीडियो लेना है, ब्लॉग, इन्फ्लुएंसर्स है, यूट्यूबर्स है, जिस किसी को भी कहीं से भी आना हो, मेरा शॉप ओपन है, कभी भी आ सकते हैं। और एक छोटा सा मैंने चैनल स्टार्ट किया है, गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिशियल, यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, मैं भी आपको प्यार दूंगा, आइए इसको भी प्यार दो। स्वरूप पाटिल ब्लॉग है, इसको भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार करो इसको, इसके भी फॉलोअर्स बढ़ा दो। हाँ, सर के भी बढ़ाओ, मेरे भी बढ़ाओ, और टीम के उसी को भी ऐसा ही प्यार देते रहो और सबको प्यार देते रहो, देखते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।